मौसी बहु सही तारी बैठी है, घाम लेती है। भैया तुम्हें तो बहु मजा है। कहे भैया तुम्हें कोनो सजा है का? बहु घुसी रहती है, बोलती नहीं है, बैठ जात हुई डर नीक लागत है। चार जने बैठ जाइबे। ए मौसी मैं यहाँ कहती हूँ कि तुम ले चहुतरा में दुआरे में बढ़िया घाम आ जाते तो मस्त मजा आए हवे। हाँ फिर तुम हूँ बैठ जा, तुम हूँ मजा लिया घामे के यार। हाँ मौसी फिर हम बैठी जाते हैं। मौसी चौगा करती हूँ ना, मुश्किल जार पठान है तो बढ़िया मैदान में निकल के आगे बैठ गई हो। ए तुम हूँ बैठ जा, हम इंतजारे आ करी थे रानी बिट्टी यार सब जनहन का। ए आवारी आवाली तुम हूँ नहीं करी आवा, तुम तो दिन भगु से रहते हो, तुम्हें मारे काम में कैसे तरी नहीं है। ए दिन भर करे तो काम, सारा दिन काम है काम है, थोड़ी देर बैठ जाए तो तया से तारी मिल जाती शाम की बेरा। ए आवा इंघे नहीं करी आवा, खटोली में बैठ जा। हाँ बैठ जाई हूँ अम्मा यार, कुर्सी में बैठ जा। देख मैं कुर्सी ले आता हूँ, तो नदारे कहूँ पेरवा खटोली का तो रात के कहे में परन। फिर तू ही बड़ी टेंशन ही भपकी हिया का घर गृहस्थी के, बैठी हूँ तो कल मैं बैठ न रहा दे। ए अम्मा तोर एक बार सहेली आई नहीं रही है तो टोड़ाई गई सी पेरुआ। ए ला मैं बैठ जाऊँ कुर्सी में, नैया यही तानक कहते रही। जते आज भैंसिन का पानी वानी दिखाया बाड़े चला जा। ए अम्मा जब तो सहेली आ जाती है तो मुझे इंगे उंगे काम में भगा देती है कि ये कैलावा कैलावा मऊ यहीं तो बैठी हूँ बसुईगा। काहे ते मेहर चौरा सुनिए का? ए अम्मा ते रोज मेहर चौरा वाली बात ना करा कर बाला। हाँ तो जा बेन तक नहीं जाते है। ए अम्मा जा तो भी जा तो। ए अम्मा 10 रुपया दे तो मैं होटल से कुरकुरा ले आता हूँ। ए भक्की है वहीं ठसे ना ले जाए, 10 रुपया का कुरकुरा 5 के कुरकुरा मिला थे महारानिया, आगे चला जाए वो बहुत ठगुआ है बाबा। भाई बहनी यार तुम पूरा वीडियो देख के अम्मा जा तो कुरकुरा ले। आई मौसी सही आ कहती हो, इतना ठगुआ बाबा, इतना ठगुआ बाबा, हर बारी दरबारी मान लिया कुछ सामान ले ले तो एक का सामान 4 दे और इतना चोजी चार भक्किया का सर जाए तो मतलब लड़कन का ये था कुछ दे नहीं सकता। ए हाँ ये दुनिया 70 रन का मारा ही पा रहा है। मौसी तुम्हें एक कंजूस सेठ की कहानी आवत रही ना, ये दल की सुना रहे हूँ ना मैं, सुना दे हमें भूल गए। अरे वह कंजूस सेठ के वही मत बहुत मंजा लागती। एक कंजूस सेठ रहा है, बहुत ज्यादा कंजूस रहा, लेकिन एक दिन गुरु जी के ठासे संदेशा कि सेठ जी ऐसा है कि तुम चले आवा हमारे मंदिर में कुछ काम लागे तो कुछ सहायता हुई जाए। तो सेठ जी कहे कि हाँ ठीक है गुरु जी हम आ जाए। फिर अब सेठ जी आएंगे अब तो चले सेठानी से कहें के सेठानी तेहन दो 4 दिन घर ताके रहे गुरु जी के ठाम जाके वहां से संदेश आवा है। तो सेठ जी अपन पैसा खूब रहा लेकिन कंजूस बहुत रहा है वा। अब इतने में का भा जहाँ सेठ जी अपन 5-10 हजार रुपया डारिस जेब में चल दी कि बढ़िया जई हो 2-4-8 दिन बढ़िया होइन मठ में परे परे खई हो, अब बढ़िया फिर चलो वही हूँ मैं अच्छा टेके। तो गुरु जी सोचिन कि हम आ जाऊँ चेला हमें तो कहू जो कहू जहे लाइक है को 10 हजार को 5 हजार को 2 हजार को 1 हजार लाइक है वही ताना व्यवस्था कर दें तुम ये मंदिर और कमरा एक तैयार जी। लेकिन सेठ जी का यह पता नहीं रहा कि सेठ जी यही के खेती रहा है गुरु जी बुला रहे हैं हमें। अब सेठ जी इंगे से चल दी ना अपन अब हम पहुँचे मठ में। जब गुरु जी के यहाँ पहुँचे तो पाँव वहाँ लगी कीन अपन बैठे कहाँ सेठ जी वहाँ 2-4 दर्जन बढ़िया जुड़े रहें। अब जो जो है ये जो उन गुरु जी रहें तो कहीं बड़े बड़े गुरु जी तो सब जानते हैं कि को कितने पर है कितना रही से कितना गरीब है। तो गुरु जी कहें कि जो उन मोचेला छोट छोट हैं अब बड़े बड़े हैं तो बड़े बड़े से को 11 हजार को कुछ दिन को कुछ दिन आई जो छोट छोट दिन कहें सेठ जी तुम 5 हजार रुपया दे दे हमारे मठ तैयार हो जाए। अब सेठ जी आएंगे कंजूस तो 1 रुपया तो खर्चा नहीं करे वाले हैं। वही सोची अर मैं बेकार आ गया हमसे 5 हजार रुपया लगी है। अच्छा गुरु जी मांगा थी ससु 1-1 रुपया में कमा तो अब 5 हजार रुपया मांगा थी। कही दी गुरु जी ऐसा है कि मैं 5 हजार नहीं है भाई मैं नहीं लेके आया हूँ। तो गुरु जी सोचिन कि चलो ठीक है हमारा चेला आए तो न लेके आवे तो चला फिर दे दीना। अब कहो सेठ जी कह दिन ठीक है। अब रात में तो हम ये खा पी के मस्त सेठ जी अपन स्वागत रहे अहीं अपन जूता जो उन्हें पनही उतार दिन मंदिर के द्वारे। अब जब उतार दिन तो उन्हें रात के सब जन स्वागत रहे भगवानी माया गुरु जी से अपने झूठ बोलिस ए तो मंदिर की थे असारे के खूब है चाहे जितना दे देते। लेकिन सास के और वो सेठ जी कहा मैं एक को ना दही हूँ वह सोचत रही बढ़िया फिरी फोकर में खा पी के निकल रही हूँ। जब रात के सब जने सो गए तो वह सेठा उना का
सेठ जी का जूता जाके एक पिल्ला आगा पिल्ला जो उन्हें जूता मा चप्पल मा तुम्हें टांगिल ले जाती उन्हें संठी जात तो वह जूता लेके सेठ जी का भगवानन के मूर्ति में चढ़ाया वा अब पिल्ला से पिल्ला अब एंघे जब सुबेरा भा तब एंघे खलभली मची और अब गुहा सत्यानाश हो गया। यह गुहा ये जूता जो है ये पनही ये भगवान की मूर्ति में कुआ चढ़ागा। अब ये पता नहीं है कुआ ऐठा उतार दिन है को नहीं उतार दिन। अब एंघे भगमड़ मच गए देखागा कि भैया कहका जूता है कहका जूता है। अब नाप लेन गे और जब नाप लेन गा तो सेठ जी का एक जूता गायब रहा। अब सेठ जी के अक्का बक्का भुला गए और जब सेठ जी के अक्का बक्का भुला गए तो कहीं भैया आ रब हमाम मंदिर के जो मूर्त ही तो ये भैया यह हुई गे कुछ शुद्ध हुई गे। अब बताओ जूता हुई गे हमें अभी यदि स्नान कराओ पड़ी गंगा जल मंगाओ पड़ी सब पंचामृत मंगाओ पड़ी ये सब शुद्धिकरण कराओ पड़ी। अब यही का डांड जो है सेठ जी का देगा भाई। अब सेठ जी सरबरान ससुर में कहाँ से फंसो कहाँ से न फंसो रात इनके निकल जाते अपने घरे तो ज्यादा नीक रहा। अब वो सेठ जी का तो अब सब जने जे चार जने कहें तो सेठ जी का हामी भरे कि भैया यहाँ तुम्हार 5-6-7 हजार का खर्च आई तो यहाँ मैं चली और तुम्हें देखा पड़ी ऐसे कि तुम्हारे जूता है। अब ये सेठ जी के जो उन्हें 5-7 हजार रुपया छू गए। अब कहीं का बताऊं का ना बताऊं। अब ये चले सेठ जी घर का अपने डगरे। अब घर में जब आए मुंह लटका के आगे कहे का हुईगा भैया कहे कुछ नहीं हुईगा चुप्पान मन रहा। अब जौन रहा है बकरी में रात हो गई नहीं तो बकरी के वो रतिया तारे अपन वह जूता उतार दीस और चुप्पा खाइस न पीस मारे टेंशन के पर के सोगा। हमारे जी टेंशन के जब वो पर के सोगा तो सुबेरे पहरुनरो रात में इतना खराब पानी बरसा इतना खराब पानी बरसा तो सेठ का जूता बरहा बनाए रहा है अपने बकरी में कि मोर पूरा कचरा साफ न करेगा पर जाली न लगवा रहा पूरा बह जा मरे इनके ठा बुचुक जाए नाली तो बुचुक जाए। वो सेठा में इतना होशियार रहा तो इतना जूता जब इतना बड़ा बरहा बना है बरहा जानती हूँ ना नाली बड़ी के जानते हो तो इतना सेठ होशियार रहा कि मो जो कचरा है बकरी का मुझे साफ न करे पड़े जाली में नहीं चेक पड़े और पूरा कचरा बह गए। और एक दिन इतफाक के बात आ रहा है वही दिन आवा वह साफ जूता बह के दूसरे कॉलोनी रहती रही कॉलोनी में जाके अटक गए। अब रात भर पानी बरसा मर इनकी जितनी दुकानें रहा फुल हो गई दुकानें खूब पानी बरसा। अब इनके जाम हो गए सवेरे उनरा का भैया इतना पानी बरसा है आज तक कहूँ जाम नहीं लागा पता नहीं आज हमारी पूरी दुकानें कहे दम हो गई कहाँ का कचरा कहाँ ना लागा कौन कचरा फंस गया कौन ना फंस गया। अब जब सवेर भा दिखावा गा हम डबा डब्बा पानी रहा जब देखिन तो भैया वो सेठ जी का जूता निकलो। अब जब पता लगा होगा कि भैया ये जूता कहीं के आ रहा यह जिम्मेदार है हमारे इतना माल खराब भा दुकान का यही के माथे आ बुचुक गए नाली ताया है ये तनामा पानी भर गया। जब इन्हें देखिन नापा जूता तो देखिन वह सेठौना का निकला जूता वह सेठ सोचे अरे गुहाय सास के जूता मुँह पाछे नहीं छाड़ा तो मैं कहा बताऊँ कहा ना बताऊँ वही बड़ी देर गुस्सा आई। अब इतने में वही का जुर्माना लागी कहा भैया हमें इतना का खर्च भाई 11 हजार का कोका 2 हजार कोका 1 हजार तारे तारे का सामान भीन गया था वही सब जने अपन डाल लें भैया तुम्हारे जूता तुम ही अतन का बराह बनवाए हो वही से सब सामान बही आवा थे तो तुम ही नाली की जिम्मेदारी हो ये मको की जिम्मेदारी है तुम्हें डाल लागी। अब वो सेठ सोचे से पहले मुंगे डांट दिया था मंदिर में मैं 5-6 हजार दे देते तो ठीक रहा तो भगवान ही माया है वो सेठ समझ ना पाई। अब इंगे इंगे मुँह डांट लागा जाते वो कहते मैं कहा बताऊँ जूता नहीं पीछे छाड़ा था मैं जूता सार का कहा मैं अभी फेंक यही हूँ इतनी जोर फेंकिस घुमा के वो जूता इतनी जोर कि एक लाज में जाके गिरो हम लाज में रह शादी बिटिया के हम चढ़ी रह कढ़ैया कढ़ैया में पर रहा घी। अब वो घी में जब जूता चला के भचाग दे अब कहीं अब भैया रे को आए जूता हिंगे घुमा के मारो है कहीं भैया रे भागा 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 ये जूता आगा भैया जूता चला के को मारा थे सोचिन कि भैया रे मारो नहा को कहूँ से फेंको आए हवे लागत जान बूझ के। अब जब हुआ इंगे पता लगा होगा कहा भैया चला नाप लिया तो उधर चल जाये कहीं क्या रहा कहीं का नुहा जब पूछी इंगे पता लगा तो लगाता है कहे भैया ये सेठ जी का जूता सेठ जी सोचे सारा ये माइंड खराब कर दिया थे मोह जूता मैं कहा बताऊँ कहा ना बताऊँ। अब सब जने कहें कि भैया तुम जान के मेले हो तो वह पूरी कहानी घटना बताए तुम ही सब जने समझ के कि गुरु व भगवान एक रूप थे गुरु भगवान एक रूप होती लेकिन यह सार इतना चोजी रहा है कि अपने गुरुजी के बात तक न मानिस। अब कहा बताऊँ तो सब जने कहें कि भैया बिटिया के शादी है बिटिया वाला थोड़ी ना कि एक रुपया बेचारा नहीं जोड़ पावता है अय्या कही दे कि यह नहीं वस नहीं ऐसे नहीं। तब भी वह कहें कि सेठ जी तुम्हें तो डाल लग गई जितने का हमारी छिट्टा जहाँ जहाँ पड़े जितने हमारे मीठा उठा में पड़े उतना तुम्हें डाल लग गई। कहा भैया कितना डाल लागी कहा भैया हमें कम से कम 10-11 हजार रुपये का नुकसान रहा है मिलबे दूसर बुलाइबे फिर बनवाइबे तब हमें तुम्हें डांट चाहिए।
अब एंगे सेठ जी कंजूस तो आई, एक एक रुपया नहीं निकलता। अब उसका दिमाग खराब है। अब भैया जब पूरा मोहल्ला का दबाव बना, तब ये जाके सेठ जी 11,000 रुपया दिन उन सामान पलटा गा। अब पूरा यही का कम से कम 5,000 गुरु जी मांगत रहे, तो यही का कम से कम 25,000 लाग गए सेठ जी का। और जब देखिन सबको मोहल्ला का समझिन, कहें कि अरे यार ये कंजूर से बहुत मरे तो खुश बात रहा कि सास कर ले बहुत चौजियाँ करत रहा एक एक रुपया का। सास कह के घुसे कि ना घुसे। अब सास कह जब गुरु जी का अपने निहाए और अपने दे देवतन का निहाए, तो सास कह रही कमा धुके ही का हवे। अब जो कंजूर सेठ है जौन सीधा दौड़ा दौड़त अपने सकाबे तैयारी बनाई, सीधा गुरु जी के घर माफी मांगी। गुरु जी मैं झूठ बताया हूँ, हाँ मेरे पास पैसा रहा लेकिन मैं नहीं कह दे रहा हूँ। लेकिन अब जौन इतना इतना जो हुई गहाय अकाज, लेकिन अब ना हो मुझे माफ कर देना भगवान से कहे। और गुरु जी सेठ जी फिर सेठ जी तू साधु जो रहती है, गुरु जी रहती तो क्षमाशील रहती, वो तुरते सेठ जी का क्षमा कर दीन। और वही ज्ञान का जो है महत्व पढ़ाएंगे कि जो को जिसके लायक है उतना वही जरूर करा चाहिए। 10 रुपया लायक है 10 रुपया का दान करा, 20 रुपया लायक है 20 रुपया का दान कर। लेकिन तुम जो हो कंजूस सेठ जी, 1 रुपया का दान नहीं करती होती है तो तुम्हारे हानि होबे करी। जब गुरु जी ज्ञान दीन, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जब उसके ज्ञान का अज्ञान का अंधकार जो मिट गया, ज्ञान का प्रकाश जाग उठा, तो के बुद्धि खुल गए, वह दान पुण्य करे लाग। किस्सा रहा बढ़ा अरे मौसी ये कहानी ना हंसा हंसा पेट फूल कर आए हम कान जो हम हंसी थे कहूँ मौसी भूल ना जाए कहानी का। हाँ तो ये गुरु चेला के कहानी है। ए मौसी राम देखे बहुत नीक ये कहानी लागी तुम्हार कंजूस चेला गुरु के। अब ये बनिहारा तुम्हें कहानी नीक लागो ना मजा लागो, तो बहरी वाली चुगली का सब्सक्राइब कर ली है और लाइक एक था तो बनते बना थे, कमेंट शेयर जरूर की है। भैया बनिया ना ये कहानी के दक्षिणा ये खलाई का है भला। आप जाइए अगले वीडियो में फिर मिलवे, जब तक कर राम राम।